अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और आप लोगों के रमज़ान बहुत अच्छे गुज़र रहे होंगे। और इस वक्त तैयारी कर रही हूँ मैं अपनी बेटी के घर जाने की। आज मैं इफ्तारी बनाकर वहीं लेकर जा रही हूँ। पहले मैंने सारी चीज़ें रेडी कर ली थी, अब मैं उन्हें डिस्पोजेबल बॉक्स में पैक कर रही हूँ ताकि मैं आराम से लेकर जा सकूँ। अभी मैंने सारी पैकिंग की, सब कुछ रेडी किया और फिर हम लोग निकल गए हैं। थोड़ा लेट हो गए थे और हुआ ये कि जो रास्ता है, रास्ते में रोज़ा खोलना पड़ा क्योंकि देर हो गई थी काफ़ी, तो मैंने साथ पानी रख लिया था, पानी की बॉटल। भैया रोज़ा खोल ली, फ्रिज में रख के आ गए। घर करीब ही है तो कुछ देर में हम लोग वहाँ पहुँच गए। फिर जल्दी से बेटी ने इफ्तारी वगैरह निकाली और उनसे प्लेटों में सेट किया। और रोज़ा तो हम गाड़ी में पहले ही खोल चुके थे, इसके बाद हम सब ने साथ मिलकर इफ्तारी जो है एंजॉय की अपनी। माशाल्लाह से सारी चीज़ें बहुत मज़े की बनी थी और बहुत अच्छा लगा। हम सब ने मिलकर इफ्तारी करी। इफ्तारी से फारिग हुए हमने तो बेटी ने चाय बना ली थी और उसके बाद सब बच्चों के अपने अपने गेम्स शुरू हो गए। यहाँ पर जो है रैयान वीआर से एंजॉय कर रहे हैं, डिफरेंट वीडियोस देख रहे हैं, गैलेक्सी वीडियो देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। ये कौन सा सैटर्न है यार? और अब मैं यहाँ खाना बना रही थी, बेटी ने कहा यहीं पे खाना बना लेते हैं फिर हम सब खाना खाएंगे। बच्चे सब क्योंकि यहीं पर एंजॉय कर रहे थे। कुछ देर में मेरा खाना भी बन गया। मैंने बनाई है तहारी, तहारी बनकर रेडी हो चुकी थी और साथ में चिकन फ्राई हो रहा था। और मेरे दामाद ने मेरी बेटी को आईफोन गिफ्ट किया था तो ये उसकी सेटिंग वगैरह चल रही है। मेरा भी निकाली तो ब्लैक वाला कैश, बहुत ही प्यारा कलर है। चीज आंटी देखो, और अब खाना रेडी हो चुका था, चिकन भी फ्राई हो चुकी थी और तहारी भी बन चुकी थी और सबको भूख भी बहुत शदीद लग रही थी। सब ने सोचा खाना भी खा लेते हैं क्योंकि खाना जल्दी ही खा लें तो अच्छा होता है क्योंकि फिर सैरी भी करना होता है। तो हमने खाना निकाला और खाना खाया। खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मूड था तो दामाद ने लावा केक ले आए थे और पाई इन द स्काई का, आजकल बहुत ही वायरल केक है ये लावा केक, तो हमने इसे एंजॉय किया। बहुत ही यमी है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े का लगा हमें तो। रैयान अगलान कितने बजे? साढ़े तीन बज रहे हैं। बच्चों ने यहाँ पर दिया एंजॉय किया, मेरी बेटी ने भी एंजॉय किया और इसके बाद सब ने मेरे व्लॉग्स चला लिए क्योंकि थोड़े पहले के व्लॉग्स इन लोगों ने एंजॉय किया। रैयान अजलान जो हैं बहुत छोटे हैं व्लॉग में, रैयान भी बहुत छोटे हैं और कुछ फ़नी हरकतें हैं रैयान कर रहे हैं, वो सब देखकर हम लोग बहुत एंजॉय करते रहे। बहुत मज़ा आया पुराने व्लॉग्स देखकर। आप लोग भी मेरे पिछले व्लॉग्स देखिएगा, बच्चों ने चैलेंज किए हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत फ़नी भी हैं। अब मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और अब वो भी वी आर एंजॉय करेंगे।
बहुत मज़ा आ रहा था सबको वी आर के क्रिकेट खेलने का, और मैंने भी थोड़ा सा लगा के चेक किया था तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हम स्टेडियम में बैठे हैं और मैच खेल रहे हैं। अब इसके बाद मेरे हस्बैंड भी खेलेंगे, उन्हें भी क्रिकेट बहुत पसंद है और वो बहुत अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं और वी आर पर भी उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। बेटी के यहाँ सबको ही बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि सब ही गेम्स वगैरह भी खेल रहे थे। और रैयान को तो वीआर खेलने में सबसे ज़्यादा विकेट गिराने में बहुत मज़ा आ रहा था, वो बार बार विकेट ही गिराए जा रहे थे। आउट हो गया फिर से। बारी बारी सबने ही वीआर एंजॉय किया और सब एक दूसरे से लेना चाह रहे थे, हर कोई खेलना चाह रहा था, सबको बहुत मज़ा आ रहा था। और खेलते खेलते 4:30 बज चुके थे और सैरी का टाइम तकरीबन हो चुका था, अब हमें सैरी करना था। दामाद ने बाहर से ही खाना ऑर्डर कर लिया था और मंदी और चिकन हांडी मंगवा ली थी, फिर हम सब ने साथ मिलकर सैरी की क्योंकि सैरी साथ करने में बरकत है। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी खा रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहरी में बरकत है, अल्लाह पाक ने तुम्हें उम्मत की सहूलत को देखते हुए नवाजा है, इसे मत छोड़ो। सहरी का वक्त ख़त्म होने पर हम सब ने नमाज फजर अदा की, फिर कुछ देर के बाद हम अपने घर वापस आ गए। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।